दहेज मुक्त विवाह शिक्षा की ओर जागृत करने हेतु इदारा ए शरिया तहरीक के बेदारी कॉन्फ्रेंस सीतामढ़ी जिला के मुरलिया चौक में आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब एवं नाजिम मोहम्मद तैयब नूरी साहब ने किया, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के उलमा एवं बुद्धिजीवी जैसे मुफ्ती अमजद रजा अमजदी काजी इदारा ए शरिया पटना हजरत सैफुल्लाह अलीमी हज़रत नुमान अख्तार जमाली कारी निसार कलकतवी हज़रत ईसा मिसबाही बंगाल डॉक्टर मुमताज साहब शायर दिलकश रांचवी सिप्तैन रजा आदि लोगों के अलावा मुख्य रूप से इदारा शरिया के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलिया भी पूर्व सांसद सभा को संबोधित किए। सुप्रीम कोर्ट के होकला गए, वो गिरफ्तार हो गए, बड़े बड़े टीवी एंकर गए, उनको जाने तक नहीं मिला, मगर कुर्बान जाके राष्ट्रीय मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाली वहां बैठ कर वहां जाकर वो रिलीफ भी तकसीम किए और वहां के अरबाब ने इतना से जो दिल बात किया कि अगर ये जंग नहीं रुकी मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद नहीं रुका तो कसम खुदा की हम जान देकर भी इनकी हिफाजत करेंगे। पेश आएगी कि ये उलमाए इकराम सीना ठोक कर बोलेंगे कि मैं वो बलिया, अगर जरूरत पड़ गई तो आप ठोक कर बोलोगे कि नहीं कि मैं हूँ बलिया। डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे बीच में राष्ट्रीय मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलिया भी है, इसलिए किसी से डरने की जरूरत ठोक कर बोलोगे कि मैं अल्लामा गुलाम रसूल बलिया भी। हजरत आप तशरीफ रखिए, दो मिनट हमको बोलने दीजिए, इसलिए कि अल्लामा गुलाम रसूल बलिया भी तनहा बलिया भी नहीं है, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है।